नमस्कार दोस्तों, और एक नई वीडियो लेके आया हूँ। देखिए दोस्तों, ये 6 एम्पियर का स्विच है, 4 स्विच है और एक इंडिकेटर। इसको किस तरह वायरिंग करते हैं, चलो सीखते हैं दोस्तों। चलो फटाफट से 1, 2, 3, 4 स्विच और एक इंडिकेटर, इसको वायरिंग करना सीखते हैं। चलो दोस्तों, इसको नट पहले मैं खोल लेता हूँ सबका। क्या करते हैं दोस्तों, 6 एम्पियर का स्विच है, इसको वायरिंग करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, पहले मैं स्विच का जो नीचे साइड है, जो लोअर साइड है, उसको मैं पहले कनेक्ट कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, मैंने पहले से काट के रखा। देखिए दोस्तों, एकदम इजी की प्रोसेस के लिए ये घाट काट के लिए माप लेके काट के रखा है। देखिए दोस्तों, इसको हम पहले कनेक्ट कर लेते हैं नीचे साइड वाला। नीचे साइड को पहले आप कनेक्ट कर लीजिए। तो अभी मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ जो नीचे साइड वाला है, 6 एम्पियर स्विच का जो नीचे साइड है, जो बैक साइड है, जो लोअर साइड है, उसको मैं पहले कनेक्ट कर लेता हूँ। 3 है, 4 है और एक इंडिकेटर का साइड 5। देखिए दोस्तों, एक साथ में हो जाएगा काम। देखिए दोस्तों, एक साथ में मैंने 1, 2, 3, 4 और इंडिकेटर साइड 5 मैंने कनेक्ट कर लिया एक साथ में। और अब क्या करेंगे, उसको टाइट कर लीजिए। ये लोअर स्विच का जो लोअर साइड है पीछे वाला, ये देखिए दोस्तों, उसको टाइट कर लीजिए आप, अच्छी तरह टाइट कर लीजिए। और उसको आप लॉक कर दीजिए। और बीच का जो स्विच है, उस सबको आप टाइट कर लीजिए अच्छी तरह। स्विच का नीचे वाला साइड सबको मैंने कनेक्ट कर लिया। और देखिए दोस्तों, एकदम इजी प्रोसेस है दोस्तों, एकदम इजी प्रोसेस है दोस्तों, एकदम इजी। तो मैंने क्या किया, 4 पॉइंट का जो टार रेड कलर वाला मैंने सब लगा लिया। और क्या करें, 4 होल्डर का जो न्यूट्रल है, जो ब्लैक कलर का टार, उसको एक साथ कर लीजिएगा, 3 और 1 ले 4। 4 होल्डर का जो न्यूट्रल का जो टार है, ब्लैक कलर को आप एक साथ कर लीजिएगा, एक साथ उसको कॉमन कर लीजिए, एक साथ कीजिए। देखिए मैंने एक साथ कर लिया। देखिए दोस्तों, अभी क्या करता हूँ, देखिए दोस्तों, पॉइंट का और ये जो एक्स्ट्रा जो तार है, उसको आप लॉक कर दीजिएगा, सबको लॉक कर दीजिए। और क्या कर, देखिए दोस्तों, पॉइंट का तार 1, 2, 3, 4 पॉइंट हो गया, और नीचे का साइड जो फेस का जो लाइन है वो भी हो गया। अभी ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर में क्या देंगे हम, न्यूट्रल चाहिए। तो अभी क्या करते हैं, हम पावर सप्लाई देने वाला है। पावर सप्लाई के लिए 2 तार चाहिए, एक फेस और न्यूट्रल। फेस के लिए क्या, फेस आप स्विच के नीचे डालिए। तो मैंने स्विच का जो नीचे साइड है, उसमें मैं फेस का तार डाल दिया। और एक साथ में आप उसको टाइट कर लीजिए, फेस का तार है रेड कलर, रेड टू रेड है। आप लोग इजी समझ सकें, क्योंकि रेड टू रेड कनेक है मेरे पास, रेड टू रेड कनेक है। और ये जो ब्लैक है, ब्लैक का न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मैंने क्या करूँ, ये इंडिकेटर का जो ऊपर का साइड है, उसमें लगा दीजिएगा न्यूट्रल का टार। और क्या करें, अभी तो मैं एक साथ में ले नहीं जाऊँगा, तो मैं क्या करूँ, इसके लिए मैं और एक टार ले लेता हूँ, क्योंकि उसमें न्यूट्रल का कॉमन करने पड़ेंगे। तो मैंने न्यूट्रल का टार मैंने इंडिकेटर में एक साथ कॉमन कर लिया, और उसको टाइट कर लीजिएगा। इंडिकेटर में न्यूट्रल का मेन, न्यूट्रल का सप्लाई मैंने ये टार निकाल के लाया है। देखिए दोस्तों, अब क्या करें, जो होल्डर का जो न्यूट्रल है ब्लैक कलर, वो ब्लैक कलर का सर, ये ब्लैक कलर जो न्यूट्रल है, वो भी एक साथ कर लीजिए दोस्तों। और उसको आप उसको टेप लगाना है। देखिए दोस्तों, इसको टेप लगा दीजिएगा, इस न्यूट्रल को आप अच्छी तरह टेप लगा दीजिएगा, शॉर्ट ना हो जाए, शॉर्ट सर्किट के भी हो सकता है। तो आप इसको इस अच्छी तरह लगा लीजिएगा, न्यूट्रल का काम हो गया। तो देखिए दोस्तों, अभी क्या करना है, पावर सप्लाई के लिए आप
इसमें जो एक फेस है और एक फेस है और न्यूट्रल है, रेड कलर में फेस और इसमें न्यूट्रल है। चलो उसके क्या करेंगे, मैं एक टू पिन टॉप को लगा देता हूँ। ये टू पिन टॉप है, टू पिन टॉप को मैं ये फेस और न्यूट्रल का जो तार है उस टू पिन टॉप मैंने खोल दिया। खोलने के बाद देखिए दोस्तों उसमें इस तरह निकल के आएंगे। तो इसमें क्या करेंगे आप, ये जो एक साइड खोलिए और एक साइड में एक फेस डालिएगा रेड कलर और आप उसको टाइट कर लीजिएगा। तो पिन टॉप का सिस्टम न्यूट्रल, देखिए दोस्तों न्यूट्रल का भी तार कनेक्शन हो गया और उसको टाइट कर लीजिए, स्क्रू को अच्छी तरह टाइट कर लीजिए। देखिए दोस्तों दो टू पिन टॉप का एक फेस में डाला और न्यूट्रल ब्लैक और रेड। ओके तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे बैठा लीजिएगा, सेटिंग कर लीजिएगा एक फेस और एक न्यूट्रल, फेस में रेड कलर और न्यूट्रल में ब्लैक कलर। तो आप तार देख के भी समझ सकेंगे क्योंकि रेड कलर जिस तरफ है उस तरफ फेस है और जिस तरफ ब्लैक है उसमें न्यूट्रल है। चलो दोस्तों ये टू पिन टॉप भी मैंने कनेक्शन कर लिया, पिन टॉप भी हो गया। सबको समझते हैं ये स्विच है 1 2 3 4 और ये इंडिकेटर है, इसको वायरिंग को समझते हैं। चलो दोस्तों क्या करते हैं, स्विच का जो नीचे साइड है उसको मैंने रेड कलर का फेस सब कनेक्शन कर लिया, लोड के लिए फेस कलर फेस दे दिया और होल्डर से जो तार निकलता है, दो तार निकलता है, एक रेड कलर और एक ब्लैक कलर, एक में फेस एक में न्यूट्रल। तो रेड कलर वाला फेस इस पॉइंट में डाल दिया, दो नंबर वाला होल्डर का भी इसमें पॉइंट पे डाल दिया और तीन नंबर होल्डर का भी एक रेड कलर जो है फेस पॉइंट पे डाल दिया और चार नंबर वाला होल्डर का भी जो रेड कलर है इसमें पॉइंट पे डाल दिया। ठीक है दोस्तों, और जो तीनों का जो चारों का जो न्यूट्रल है, चारों का न्यूट्रल जो 1 2 3 4 चार वाला जो चार न्यूट्रल को एक साथ में कर लिया, कॉमन कर लिया। और क्या करते हैं अभी पावर सप्लाई देने के लिए मेरे पास चाहिए एक फेस और एक न्यूट्रल, तो मैंने क्या किया रेड कलर का फेस यहाँ पे डाल दिया और न्यूट्रल का फेस यहाँ पे डाल दिया। ठीक है दोस्तों, अभी क्या करता हूँ मैं, जो पावर सप्लाई लेने के लिए दो पिन चाहिए क्योंकि इसमें आर्थिंग नहीं है, तो मैंने दो ही तार लिया फेस और न्यूट्रल। तो फेस के दो इस टू पिन टॉप में एक फेस डाला, इधर में रेड कलर दिखे रेड कलर में फेस डाला, इधर में ब्लैक कलर मतलब न्यूट्रल डाला। तो अब क्या करते हैं अभी टेस्ट करते हैं। चलो दोस्तों अभी टेस्ट करने चलते हैं। चलो दोस्तों अभी टेस्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले मैं बल्ब लगा लेता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगा लिया, इसमें ग्रीन कलर लगा लिया, ब्लू लगा लिया, ठीक है यहाँ पे एक ब्लू लगा लिया। चलो दोस्तों अभी टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए क्या चाहिए, मुझे पावर सप्लाई चाहिए। पावर सप्लाई के लिए मैंने एक्सटेंशन बोर्ड लाया हूँ, देखिए उसके बाद क्या करता हूँ मैंने उसको एक्सटेंशन बोर्ड में लगा दिया वायर। और क्या करता हूँ देखिए दोस्तों, अभी पावर ऑन करता हूँ। देखिए दोस्तों इस इंडिकेटर पर देखिए पावर आ गया, देखिए दोस्तों पावर आ गया। तो मैं क्या क्या करता हूँ, ये जो साइड का जो स्विच है उसको पहले टेस्ट कर लेता हूँ। ये स्विच को देखिए, ये ओके है, देखिए दोस्तों दो नंबर वाला देखिए भी ओके है, तीन नंबर वाला देखिए और चार नंबर वाला देखिए दोस्तों। दोस्तों वीडियो को अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। थैंक यू दोस्तों।